Welcome back dear students in a new video of English. Dear students, this is day 3. Today we will learn some vocabs and some vocabs and some English sentences. Okay. So acclimatize matlab just according to new climate or place. ठीक है, according to नए क्लाइमेट और पेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, उसको acclimatize कहते हैं. ठीक है, accustom means habitual, आदि होना. अकस्टम के हमेशा बाद टू लगता है. ठीक है, एरोमा फ्रेग्रेंस, एडजन पोस्टपोन, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना. ठीक है, मीटिंग अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी गई है, तो मीटिंग हैज़ बीन अर्जेंट सिनेडाई. ठीक है, सिनेडाई मतलब अनिश्चित काल. एडवर्ड आगमन. ठीक है, एम्बिजियस ड्यूबियस डाउटफुल, फिशी जो हमने पढ़ाई था. ठीक है, संदिग्ध. ठीक है, एबडक्ट किडनैप करना, एक्यूज आरोप लगाना, उसके बाद हमेशा ऑफ लगता है. ठीक है, अघेस्ट अस्टाउन टेकन अबैक मतलब सरप्राइज और स्नेक्ड. ठीक है, मैच्योर नॉन प्रोफेशनल जो मतलब शौक के हिसाब से कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई जैसे यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, तो ये मतलब सपोज समवन इज इन गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो एंड दे आर टीचिंग इन यूट्यूब ऑल्सो, सो दैट इज अमेच्योर. ठीक है, हाँ शौक का तरीका है. ठीक है, एमिलियोरेट टू इम्प्रूव, ठीक टू इम्प्योर. ओके, और एस्ट्यूट क्लेवर, श्राउड का मतलब भी क्लेवर होता है. अडल्ट्री, ठीक है, अडल्ट्री मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर, किसी का भी हो, पति का हो पत्नी का हो. ठीक है, अडल्ट्रस अ मैरिड लेडी हु हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद समवन आउटसाइड द मैरिज. ठीक हो गया, कुक ओल्ड हस्बैंड ऑफ अडल्ट्रस, अमरियन सॉरी मैरिनर होता है नाविक, एंड मैरिटियल होता है विवाहिक संबंध. ओके, नाउ एग्जाम्पल इज देयर, वी विल कन्वर्ट दिस इन टू इंग्लिश. ठीक है, ये आदमी बहुत शक्की है, तो दिस शक्की को हम स्केप्टिक बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपनी पत्नी पर किसी और के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है, इसलिए दोनों के बीच में दरार को बोलते हैं ब्रीच, रिश्तों के बीच में दरार आना, दैट इज ब्रीच. ठीक है, उनकी शादी टूटने के कगार पे है. ठीक है, दैट इज कगार मतलब वज. ठीक है, तो शक्की का मतलब होता है स्केप्टिक. ठीक हो गया, अच्छा, किसी और के आरोप मतलब आरोप लगाना, एक्यूज आरोप लगाना क्या होता है, एक्यूज. ठीक है, दरार ब्रीच, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बोलते हैं अडल्ट्री, और वर्ज किनारे पर, तो ही इज स्केप्टिक. ठीक है, ही हैज एक्यूज हिज वाइफ फॉर अडल्ट्री, दैट इज वाई ब्रीच हैज कम इन दियर रिलेशन एंड द मैरिज इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप. क्या ये आदमी बहुत सखी है, मतलब ही इज अ स्केप्टिक. ठीक है, मैन. ठीक है, इन्होंने अपनी पत्नी पर किसी और के साथ संबंध होने का आरोप लगाया, तो ही हैज अक्यूज आरोप हिज वाइफ फॉर अडल्ट्री, दैट इज वाई इसीलिए दोनों के बीच में दरार आ गई है, दैट इज वाई ब्रीच दरार हैज कम इन दियर रिलेशन एंड द मैरिज इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप. ठीक है, अच्छा, ब्रीच, एक ब्रीच का मतलब दरार आना, ब्रीच बर्थ और ब्रीच डिलीवरी होती है, जब बच्चा माँ के पेट में उल्टा होता है तो उसे ब्रीच डिलीवरी कहते हैं, बर्थ कहते हैं. पॉस्थ्यूमस मतलब मरने उपरांत, ठीक है, मरने के बाद जो दिया जाता है पुरस्कार वगैरह, दैट इज पॉस्थ्यूमस. तो क्या इन्हें ये पुरस्कार मरने उपरांत मिला है. ही वॉज पॉस्थ्यूमसली अवॉर्डेड फॉर इट, हस्बैंड को हावी, वाइफ को बेटर हाफ. ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों को बोलते हैं एक साथ स्पाउस, ब्रदर सिस्टर को बोलते हैं सिबलिंग. ठीक है, अब वन वर्ड क्या क्या है, मर्डर ऑफ मदर की मर्डर को बोलेंगे मैट्रिसाइड, फादर के पैट्रिसाइड, दोनों पेरेंट्स के मर्डर को बोलेंगे पैरिसाइड, सिस्टर के सरोरीसाइड एंड ब्रदर के फैट्रिसाइड. ठीक है, ये वर्ड्स आते हैं आपके एग्जाम में. सो मर्डर ऑफ अ मदर मैट्रिसाइड, फादर पैट्रिसाइड, पैरिसाइड, सरोरीसाइड एंड फैट्री साइट. ओके, थोड़ा वेदर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हम डेली सेंटेंसेस वेदर के बारे में यूज़ करते हैं. आसमान बादलों से घिरा हुआ है, द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड. ठीक है, ओवरकास्ट की फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री तीनों एक ही होती है, ओवरकास्ट. ठीक है, आसमान में कहीं कहीं बादल हैं, इसे कहेंगे पैचेस ऑफ क्लाउड आर देयर इन द स्काई.
सारे बादल छट गए हैं और धूप आ गई है, तो ऑल द क्लाउड हैव डिस्पर्स, इट हैज़ बीन सनी। छटने को डिस्पर्स कहते हैं, बिजली चमक रही है, इट इज़ लाइटनिंग। ठीक है, देखो डिस्पर्स मतलब तो होना, इधर उधर स्कैटर होना, ठीक है। लाइटनिंग या जिसमें ई आता है उसका मतलब होता है कम करना, और जिसमें ई नहीं आता उसका मतलब होता है बिजली चमकना, LIGHTNING, बिजली चमकना, और LIGHTENING, कम कर देना। ठीक है, बादल गरज रहे हैं, इट इज़ थंडरिंग। ठीक है, अच्छा बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ ड्रेजलिंग। ठीक है, लगातार बारिश हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग इंसेसेंटली, कम बारिश, स्केंटी रेनफॉल। हर जगह तो पानी ही पानी है, रोड आर वाटर लॉक्ड। ठीक है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, सो इट इज़ रेनिंग लाइक एनीथिंग। द रेन इज़ बीटिंग डाउन, द रेन इज़ बकेटिंग डाउन, इट इज़ रेनिंग लाइक कैट एंड डॉग, एंड द सन इज़ बीटिंग डाउन। दीज मैनी सेंटेंसेज वी कैन यूज़ फॉर दिस वन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।